हेमकुंड साहिब और उसके आसपास घांगरिया में जबरदस्त बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग और घांगरिया सहित हेमकुंड साहिब जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। यहाँ की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड साहिब, जो कि सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पैदल यात्रा की जाती है। इन रास्तों पर इस समय बड़े बड़े ग्लेशियर पसरे हुए हैं, इसे पार करने में भी डर लग रहा है। ऐसे में इस समय हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ चुका है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मैनेजर और कर्मचारी बर्फबारी के बाद यहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचे, जहाँ देखा गया कि रास्तों में बड़े बड़े ग्लेशियर पड़े हुए हैं। ऐसे में रास्ते को पार करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि हर सप्ताह और महीने में अमूमन होता है कि हेमकुंड मैनेजमेंट ट्रस्ट को निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी के बाद का नुकसान का जायजा लेना हेमकुंड साहिब ट्रस्ट का काम भी है और इसी कारण इन लोगों को यहां जाना पड़ता है। ऐसे में यहां पहली तस्वीर इस बार की बर्फबारी के बाद सामने आई है। बताते चले कि इस समय जहां बीते सप्ताह ही औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, वहीं औली में मौसम सुहाना होने के साथ साथ निचली स्लोप में जबरदस्त बर्फ पिघल चुकी है, जिसके बाद देश विदेश में स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में 21 फरवरी से होने वाले राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आयोजन रद्द किया जा चुका है। चमोली से कमल नैन की रिपोर्ट।